नमस्कार दोस्तों, आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था करने जा रहे हैं। यह रीजनिंग का टॉपिक है और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो चलिए खेल खेल में हम इसको सीखेंगे। तो चलो आज कुछ नया सीखें। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, कैसे बैठाएंगे, दाएं क्या होगा, बाएं क्या होगा। तो इसको हम बहुत इजी करके लाए आपके लिए। पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट किस नेचर के होते हैं, कैसे कैसे नेचर के पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित टू टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट और एक बाउंडेड अरेंजमेंट। लीनियर मीन्स लाइन पर जो हो, एक लाइन पर। यह लाइन वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, डायगोनल हो सकता है और ये लाइन आमने सामने भी हो सकते हैं। ये बाउंडेड अरेंजमेंट है। इसमें क्या है कि चारों तरफ से घेरे होते हैं, कोई सेंटर की तरफ देखता है यानी इनसाइड देखता है, कोई आउटसाइड देखता है, किसी में कुछ लोग आउटसाइड देखते हैं, कुछ लोग इनसाइड देखते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, टिप्स का पहला टिप्स डायरेक्शन से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे वीडियोस देखिएगा जिसमें क्या बताया जाता है कि सर्किल में बैठा है या फिर कोई स्क्वायर में बैठा है, जैसा भी बैठा है, जैसा भी सीटिंग अरेंजमेंट उनका है, उसमें लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं देखेंगे, कभी नहीं, नेवर। ये कंफ्यूज कर देगा हमें। तो हम करेंगे क्या, एज्यूम योर सेल्फ, आप अपने आप को वहां रख दो। जैसे आप यहां कर रहा है, ए यहां बैठा है तो बी यहां बैठा है। अगर ऐसा पूछे कि ए बी के किस साइड बैठा है, दोस्तों बी के पास हम खुद बैठ जाएंगे और देखेंगे कि किधर बैठा है। तो बी के पास यहां बैठेंगे हम तो हमारा दाहिने साइड बैठेगा ना, राइट साइड, तो ये राइट साइड बैठा है। ये नहीं अब देखेंगे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कुछ नहीं, वैसा कुछ हमें नहीं देखना है। यानी अपने आप को एज्यूम करना है कि मैं कहां बैठा हूं, मैं वहां बैठ जाऊंगा, जिस प्लेस की बात करेगा वहां मैं खुद बैठूंगा और उसके बाद हम डायरेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो, ये तो आप समझ गए कि कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या ऐसे राइट ऐसे लेफ्ट का यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज हम अपने आप को एज्यूम करेंगे। चलिए दूसरा, यहाँ आपको ये समझना बहुत जरूरी है, फेसिंग यू या फेसिंग साउथ या फेसिंग आउटसाइड या फोटोग्राफ, ये सारे जो आएंगे आपको। फेसिंग आउटसाइड मीन्स ये तो इनसाइड है, अभी मैं आपको बताया। आउटसाइड क्या, केंद्र की तरफ नहीं देखकर बाहर देख रहा है, कोई बाहर देख रहा है। तो इस परिस्थिति में जो भी डायरेक्शन है सॉल्व करते समय उसको चेंज कर देंगे। कब, फेसिंग यू, कोई आपको देख रहा है उसके बारे में, या फेसिंग साउथ या फेसिंग आउटसाइड या फोटोग्राफ। मैं देख बताता हूं आपको, जैसे फोटोग्राफ मैं ऐसे हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसमें भी यही है। लेकिन जब मैं इस फोटो को मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे तो ये लेफ्ट और राइट है, लेकिन इसको फोटो बनाकर मैं अपने तरफ कर लूं तो इसका लेफ्ट मेरा राइट हो जाएगा, इसका राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा। आप हाथ से देख सकते हैं, मेरा दाहिना हाथ है और इसमें इसका क्या है, बायां हाथ है। और ऐसे रहेगा तो ठीक है, ये मेरा बायां है, ये दायां है, जो कहते हैं। तो हमारा, हमारे तरफ कोई देखेगा, फेसिंग यू, फेसिंग यू मीन्स क्या, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ मेरी तरफ, फोटोग्राफ है फेसिंग मी। और फेसिंग साउथ का क्या मतलब है, अब मैं आपको यहां समझाता हूं। आउटसाइड का तो समझा दिया, केंद्र की तरफ जब देख रहा था बी, तो ए बी का किस साइड था, ध्यान दीजिए यहां बी बैठ गया है, यानी यहां मैं बैठ गया हूं, बी के पास मैं बी मान लिया अपने आपको, तो ये हमारा क्या किस साइड है, क्योंकि केंद्र की तरफ है, सबका मुंह जो है इसके तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये हमारा दाहिने साइड है, यहां बैठेंगे तो दाहिने साइड आएगा यानी राइट साइड आएगा। लेकिन यही जब बाहर देखने लगे, बाहर देखने लगे तो यहां अंदर नहीं देख रहे हैं, यहां हम बी, ये मैं हूं, मैं यहां बैठ गया और बाहर देख रहे हैं, ऐसे देखने लगे तो हमारा ए किस साइड पड़ेगा, लेफ्ट साइड पड़ेगा, ये अब लेफ्ट साइड हो गया, ये पहले राइट साइड था। तो कहने का मतलब ये दोनों आपको समझना जरूरी है। अब नॉर्थ साइड क्या होता है, आइए देखते हैं।
दोस्तों हमें पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये ऑलवेज आपका नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है। मैं यहाँ हूँ और मैं नॉर्थ की तरफ फेस किया हूँ, मैंने ऊपर की तरफ, तो मेरा जो दाएं है वो दाएं होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी अब बाएं हो बाएं होगा। आप ध्यान दिए, मैं यहाँ हूँ इस बिंदु पर और मैं नॉर्थ फेसिंग यानी ऊपर की तरफ, नॉर्थ मीन्स क्या, इधर ऊपर, तो हमारा दाएं दाएं और बाएं बाएं। लेकिन ज्यों ही मैं साउथ करूंगा, साउथ ज्यों ही डायरेक्शन में करूंगा साउथ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं यहां बैठा घूम कर बैठूंगा ना, तो हमारा दाएं जो होगा ये हमारा क्या था, राइट था, और ये हमारा लेफ्ट था, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ऐसे तो राइट है और लेफ्ट है, लेकिन जब मैं घूम जाऊंगा यानी यहां बैठकर घूम कर साउथ नीचे देखूंगा तो हमारा ये एंगल चेंज हो जाएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा, यहां घूम गए, मैं घूम गया यानी ऐसे घूम गया ना, ऐसे हो गया, अब ऐसे नीचे देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नीचे देख रहा हूं ऐसे घूम कर, यानी यहां मैं बैठ गया, यहां बैठकर ऐसे देख रहा हूं, तो यहां लेफ्ट, अब राइट क्या हो गया, ये राइट जो है हमारा अब लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, तीन चार परिस्थिति में ऑलवेज याद रखना है, फेसिंग आउट, फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग साउथ, फोटोग्राफ्स और फेसिंग यू, ये चार सिचुएशन जहां भी आए ना वहां हम डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, यानी हम उसमें दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर देंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद मैं रैंकिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो क्योंकि बहुत सारे टिप्स और टेक्निक है इसमें, क्वेश्चंस भी होंगे, तो थोड़ा वीडियो आवश्य देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए हम अब दूसरा टिप्स देखते हैं। दोस्तों ये टिप्स यानी ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु विच हुज हुम, यानी हिंदी में जो, जो से जो सेंटेंस जुड़ा हो। जैसे इस परिस्थिति में नजदीक वाले एलिमेंट्स का संबंध हम तीसरे व्यक्ति से स्थापित करेंगे, किसके नजदीक, जो कि हु के नजदीक हो, जो कि जो के नजदीक हो, ध्यान दीजिएगा। तीसरा व्यक्ति क्या हुआ, आगे चलते हैं, एम इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी तीसरा व्यक्ति हुआ, तो इसका संबंध हम अब किससे, हु की जगह किसको माने, एम को माने या एन को माने, यही फंस जाता है दोस्त। तो जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस जुड़ा है वहां इसके नजदीक वाला जो होगा ना उसको मानेंगे, जो में जहां जो से जुड़ा हो तो इसके नजदीक वाला तीसरे के लिए आएगा, नजदीक वाला क्या है, एन है, एम नहीं है, एन है, और तीसरा क्या है, ये है, तो इसके लिए ए आएगा। जैसे आप देखिए यहां तक तो क्लियर है, एम इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, यहां तक तो क्लियर है, हु इज लेफ्ट ऑफ ओ, तो क्या एन इज लेफ्ट ऑफ ओ हो जाएगा क्योंकि हु के नजदीक एन है, तो यहां एन हो जाएगा दोस्त, एन इज, अब यहां से आगे बढ़िएगा, एन इज लेफ्ट ऑफ ओ, समझ गए ना। वैसा यहां भी हिंदी में भी बता दे आपको, एम एन के बाएं दूसरा है, जो ओ के बाएं दूसरा है, कौन, ये जो कौन है, जो हु कौन है, तो जो, जो नजदीक वाला है उसको लेंगे, किसके नजदीक, यानी पहले जो सेंटेंस आया उसमें जो इसके नजदीक आ रहा है, पहले सेंटेंस ही आ रहा है ना, ये तो बाद का सेंटेंस है, तीसरा थर्ड पर्सन के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं ओ को। चलिए तो जो, यहां तो एन, तो जो, तो यहां एन हो जाएगा, जो की जगह एन, ओ के बाएं दूसरा है, समझ गए ना, हो गया सॉल्व, ये जानना बहुत जरूरी था हम लोगों को, एक लाइन पर ही समझ लेते हैं इसको। चलिए एम इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, एम का है यहां, मान लीजिए हम यहां एम रखते हैं, सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, एन के दूसरा सेकंड लेफ्ट, मैंने सेकंड लेफ्ट में क्या, दूसरा लेफ्ट है, तो एन यहां होगा तब ना, हम अपने को यहां रख कर देख रहे हैं आप, हम अपने को यहां रखे एन, एन यहां हो गए, हमारे सेकंड लेफ्ट में क्या है, एम है, एम इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एन, तो एम के लेफ्ट में क्या है, हमारा हाथ ऐसे कर लें, लेफ्ट हमारा क्या है, मैं एन को अपना मान लिया तो लेफ्ट हमारा यही ना होगा हाथ, तो ये हमारा एम हुआ, जो कि एन इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, और एन क्या है, सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ है, यानी एन जो है एक छोड़कर ओ का लेफ्ट ही में है, लेफ्ट माने क्या, यहां रहेगा, तो सेकंड लेफ्ट क्या होगा, इसके सेकंड लेफ्ट, यानी ये अगर है यहां तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, सेकंड लेफ्ट पूछ रहा है तो सेकंड लेफ्ट एक छोड़कर यहां। अब चलते हम तीसरा कॉन्सेप्ट की तरफ, कंजंक्शन जिसमें रहेंगे, जिस क्वेश्चन में कंजंक्शन कुछ होंगे, जैसे कंजंक्शन क्या है, एंड है, और है, बट है,
हिंदी में और या लेकिन जो भी कहें, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का संबंध तीसरे से हम जोड़ेंगे, तीसरा जो भी लास्ट आए, तीसरा ऐसा नहीं है कि वो तीन ही हो, जो भी पूछे लास्ट में क्वेश्चन में जो भी आए वो उसका संबंध हम फर्स्ट वाले से जोड़ेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंड है और यहाँ और है, यही है, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी एंड थर्ड राइट ऑफ सी, तो हमारा थर्ड राइट ऑफ सी किससे है यही तो जानना है। तो एंड से जेम ही जुड़ा हो तो क्या है, पहला जो एलिमेंट होगा यानी ए, और से जुड़ा हो तो पहला एलिमेंट ए यानी शुरू वाला जो एलिमेंट है उससे हो जाएगा। जैसे क्या होगा, ध्यान देना मेरे दोस्त, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी एंड इज थर्ड राइट, एंड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एंड के जगह, ए एंड के जगह ए, ए इज थर्ड राइट ऑफ सी। वैसे ही ए बी के दाएं दूसरा है और सी के बाएं तीसरा है तो कौन, तो पहला ले लेंगे। ध्यान देना, जो पहला शुरू वाला एलिमेंट जो होगा उसको लेंगे, उस सेंटेंस में शुरू वाला एलिमेंट, ना कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है उसमें कई एक सेंटेंस आ सकते हैं, तो उस सेंटेंस का जो पहला एलिमेंट होगा वो आएगा, तो और के जगह क्या होगा, ए, यानी ए बी के दाएं दूसरा है, ए सी के बाएं तीसरा है, समझ गए। अब आप बना सकते हैं इसको, जैसे आप एक सर्कल से बनाइए इसको, क्या कह रहा है, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, ऑफ बी किससे, ये भी एक ध्यान देना है, जिसमें का जुड़ा होना उससे संबंध स्थापित होता है। ध्यान दीजिएगा, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ऑफ जिसमें जुड़ा है ना वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें के जुड़ा हो, हिंदी में के, बी के दाएं, बी के दाएं, तो बी से हम स्टार्ट करेंगे, ऑफ बी, बी से स्टार्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, यहाँ कंफ्यूज हो सकता है आदमी, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, किसके राइट, कौन राइट, ए के राइट, बी के, कुछ नहीं, ऑफ किस में जुड़ा है, ऑफ बी, ऑफ बी, तो बी के राइट, बी के राइट ए है, तो बी हम हमेशा बेस इसको मानेंगे, बी क्या है, ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, तो सेकंड राइट ऑफ बी है, राइट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो पहला छोड़कर दूसरा पर आप कहाँ, ए को बैठा दो, हो गया, यहां तक तो हो गया। अब आइए दोस्तों, अब क्या कर रहा है कि अब एड को क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस में नजदीक वाले लेते थे ना, नजदीक वाले लेते थे, जैसे बी को लेते वहां, लेकिन यहां शुरू वाला लेना है हमको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए इज अब हो गया, और के जगह हम ए इज, ना कि बी इज, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो ए जो क्या है, थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, सी के तीसरा लेफ्ट है, तो सी के तीसरा लेफ्ट है, याद ये थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, यहां ऑफ जिसमें लगा है उसके, सी के, न कि बी के, न कि ए के दोस्त, जिसमें ऑफ लगा है तो किसके, तो सी के, जिसमें के लगा है उसके, यानी सी के थर्ड लेफ्ट है कौन, ए, तो ए जो है सी के थर्ड लेफ्ट है, तो लेफ्ट हम यहाँ सी बैठ जाएगा, मान लीजिए से बैठ गया, थर्ड लेफ्ट एक और दो छोड़कर हम यहाँ सी अपने को मान लिए, तो यहाँ से तीसरा लेफ्ट मेरा ए, यहाँ वन टू थ्री लेफ्ट, समझ गए, जहाँ जिसको जिसमें के लगा हो, ऑफ लगा हो, उसको हम अपने आप को मान लेंगे और तब बनाएंगे। तीन चीज आप समझ लिए, यहाँ किसी भी सेंटेंस का तुलना करेंगे, इसमें ऑफ लगा हो उसको बेस मानेंगे, उससे रिलेशन होता है, ऑफ जिसमें लगा रहता है, ऑफ सी यानी सी से, ऑफ डी, डी से ऑफ, या फिर जिसमें के लगा हो, पहला। दूसरा कंजक्शन, कंजक्शन की स्थिति में पहला वाला एलिमेंट लेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन की स्थिति में नज़दीक वाला एलिमेंट लेंगे, तो हमारा ये कंसेप्ट अभी यहाँ क्लियर हो गया। चलिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, चौथा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, प्रश्न में दिए गए सूचनाओं पर ध्यान देना होगा, कैसे किस सेंटेंस को हम पहले लेंगे, किस सेंटेंस को बाद में लेंगे, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, पहले उन संख्याओं से शुरू नहीं करना चाहिए जिसमें बिटवीन हो, जिस सेंटेंस में बिटवीन या बीच में आया हो उस सेंटेंस से हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ राम इज बिटवीन मोहन एंड सोहन, राम मोहन और सोहन के बीच में है, इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि राम बीच में है, राम यहाँ बीच में है, ये मोहन है, ये सोहन है, ठीक है, लेकिन ये दाएं है, कौन है इसके बाएं, ये भी हो सकता है कि राम बीच में, ये सोहन और ये मोहन,
तो इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसके दाएं बाएं कौन है, इसलिए हमें इस सेंटेंस से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पहले उस सूचना से प्रारंभ करें जिसमें दाएं बाएं की चर्चा हो। हाँ, ये क्लियर है, इसमें ये पता चलेगा कि दाएं कौन है। इसमें राम इज राइट ऑफ मोहन, राम मोहन के दाहिने हैं। राम, ध्यान दीजिएगा, किसके दाहिने हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, मोहन के। ऑलवेज यहाँ ऑफ जी इसमें जुड़ा हो ना, इससे दूसरे वाला का संबंध स्थापित करना है, ऑफ वाला का ध्यान दीजिएगा। तो मोहन के दाहिने हैं कौन, तो मोहन यहाँ है, तो इसका दाहिने क्या हुआ, मोहन के दाहिने इधर होगा ना, हमारे हाथ तरफ, हम अपने को मान लेंगे मोहन, तो मोहन को, मोहन के दाहिने राम है। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन ये भी इसमें क्लियर नहीं हुआ कि कौन स्थान पर है, तुरंत है या उसके दो स्टेप छोड़कर है या तीन स्टेप छोड़कर है, यहाँ ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन मान लीजिए इससे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि किसी सूचना में संख्या का वर्णन हो, लीजिए आ गया, तो उस सूचना से ही शुरू करना चाहिए। राम इज फोर्थ राइट ऑफ मोहन, ऑफ मोहन, मोहन से, बस यही तो बन गया दोस्त, बस यही तो समझना है। राम इज फोर्थ राइट ऑफ मोहन, मोहन से चौथा, तो मोहन को यहां मानो ना, और क्या चौथा राइट, चौथा राइट, तो मोहन यहां है, तो एक दो तीन छोड़कर यहां हमारा राम हो जाएगा चौथा राइट। तो जहां ऐसा रहे ना, जिसमें संख्या दिया रहे उसको फर्स्ट वरीयता देना चाहिए, उसी सेंटेंस से हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि किसी प्रश्न में फेसिंग यू या फेसिंग आउटसाइड या फेसिंग साउथ, तो इसमें ऑलवेज हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर दाएं हैं तो बाएं और बाएं हैं तो दाएं कर देंगे। दोस्तों ये चार जो है इस पर हमें ध्यान देना होगा, कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा मेरे साथ, चलिए। आप लोग सब्सक्राइब करो, औरों को भेजो कि मेहनत मेरा साकार हो और बहुतों को फायदा हो इससे, क्योंकि आप देख सकते हो कि मुझे कितना मेहनत लगता है इस बनाने में। मैं अभी ना फैन चलाया हूँ ना एसी चलाया हूँ, क्योंकि उससे जो आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाता, इसलिए मैं अभी पूरा पसीना से भींग जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ो, वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे ये नहीं है कि मैं चैनल से कुछ हमको कमाना है, कोई मतलब नहीं है हमको, बस ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि बहुतों तक मेरा संग्रह पहुँच सके और उन लोगों का दुआ मुझे मिले, यही काफ़ी है दोस्त। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ जी सेवन फ्रेंड्स हैं और एक रोज में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ चेहरा करके, फेस करके, तो इसमें हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ एकदम सिंपल है, जैसे हम लोग बैठते हैं जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। चलिए, कह रहा है कि एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, देखिएगा हमको कहाँ से ऑप्शन मिलता है, तो एफ इज, ध्यान दीजिए हम सॉल्व करते आते एक एक क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा सूचना है, इंपॉर्टेंट एक सूचना है, क्या एफ इज इमीडिएट राइट, क्या इमीडिएट राइट भाई, किसके इमीडिएट राइट, ऑफ ई, जिसमें ऑफ लगा है उसके, तो ई के इमीडिएट राइट, ई के इमीडिएट राइट कौन है, तो ई यहां है, हम ई अपने मान लिए अपने आप को, तो इसके इमीडिएट राइट, ई के इमीडिएट राइट क्या है, एफ है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, पहला सूचना हमारा हो गया, ये इमीडिएट राइट हमारा यहाँ ये आ गया। समझाने के लिए इतना धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, आप बेसिक समझिए, सब फिर बन जाएगा। ई इज फोर्थ राइट ऑफ जी, आ तो क्या ई किस से, जी से, ऑफ किस में, जी में, तो जी से फोर्थ राइट, यानी चौथा दाएं, तो जी अगर यहाँ है तो चौथा दाएं कौन है, ई, ई क्या है, ई इज द फोर्थ राइट ऑफ जी, तो यहाँ नहीं, एक छोड़कर, दो छोड़कर, तीस छोड़कर, चौथा, चौथा क्या है, ई है, ध्यान देना मेरा दोस्त। यहाँ तक आप समझ गए, मैं हर का सूचना बना ले रहा हूँ पहले। यहाँ कितने दोस्त हैं, अभी आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यही हमको 7 बैठाना है। पर चलिए, सी इज बिटवीन बी एंड डी, तो इसमें तो दो सूचना है ना, इसको हम सी यहाँ भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, सी इज बिटवीन क्या है, बी और डी, या फिर सी इज बिटवीन डी और बी, इसमें तो एक कर एक कन्फर्म नहीं हो रहा है ना, इसलिए बिटवीन से सेंटेंस चालू नहीं करना चाहिए बनाना, तो हमको इसमें कोई एक ही होगा, ये बात ध्यान देना है, या तो बीच में सी है लेकिन इसके अगल बगल कौन है ये भी क्लियर नहीं है। जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, देखिएगा जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी एंड इज एट वन कॉर्नर, ध्यान दीजिए एंड आ गया मेरे दोस्त, अभी तुरंत पढ़ाए हैं ना, एंड किसके लिए, पहले वाले के लिए, तो जी, तो एंड के पास क्या मानेंगे, जी, तो जी इज द, तो जी इज एट वन कॉर्नर, एंड को क्या माने, जी माने, और जी इज कहाँ, एंड
वन कॉर्नर, तो पहला जी क्या है, जी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ऑफ डी, तो डी से थर्ड लेफ्ट, तो डी अगर हम यहां रखते हैं, चलिए यहां रखते हैं, डी यहां है, डी अपने आपको मान लिए हम, डी से थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स क्या, बाएं, तो इसके बाएं क्या होगा, थर्ड, एक दो, और थर्ड पर यहां आ गया क्या है, जी। तो जी जब यहां, तो अब जी तो एक कॉर्नर पर है, ध्यान दीजिएगा जी क्या है, जी इज एट कॉर्नर, अब हमारा बन गया क्वेश्चन, कॉर्नर पर है और यहां जी है, तो यहां अगर कॉर्नर पर रखेंगे तो फिर यहां डी कहां से है, तो कॉर्नर तो पूरा नहीं हुआ, जब भी जी आएगा तो अब यहां आएगा ना, क्योंकि यहां तो आएगा तो इसके बाद भी यहां डी है दो छोड़कर, तो हमारा यहां कहां से जाएगा, तो अब तो बन गया हमारा, जी कहां आएगा, तो जी यहां आया दोस्त, डी दो छोड़कर, एक दो छोड़कर यहां डी आ गया, यहां तक तो बन गया हमारा। अब देखिए जी का तीन छोड़कर ई आ रहा था, तो एक दो तीन, जी पर एक दो तीन छोड़कर यहां ई आ गया, ई के जस्ट बाद हमारा क्या है, एफ है, तो यहां हमारा एफ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए सारी सूचनाएं आ गई, अब सी यहां दो कंडीशन है, या तो बी डी के बीच में है या डी बी के बीच में है, तो यहां डी है, तो यहां बी तो नहीं होगा ना, अब तो यहां बी, तो यहां डी है और इसके बगल में बीच में सी है, तो यहां बी आएगा, लास्ट में जो भी बचा उसको हम यहां बिठा देंगे, ए बचा तो यहां आ गया, अगर एक कोई वैकेंट है तो उसके लिए जो भी बचा उसको बैठा देंगे, उसके लिए कोई सूचना की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्त, ये तो समझ गए होंगे आप, चलिए अब क्वेश्चन है, हु इज बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई, यहां सी एंड ई है, सी एंड ई के बीच में क्या है, सी एंड ई के बीच में हमारा बी है, ये तो सॉल्व हो गया। हु इज द नेबर ऑफ डी, डी का नेबर क्या है, सी और ई, आजू बाजू वाला दोनों नेबर होगा, नेबर मीन्स पड़ोसी, तो डी का नेबर दोनों होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, सी का पोजीशन क्या है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको, सी का पोजीशन, तीन पोजीशन हो सकता है सी का, अब सी का पोजीशन, तो आप देखिए यहां है सी, तो इससे पहले देखिए वन टू थ्री, यानी थर्ड फ्रॉम, थर्ड फ्रॉम राइट, लेफ्ट से क्या, एक दो तीन, वन टू थ्री फोर फाइव, और फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, जो भी सूचना है, यहाँ जो भी सूचना ऑप्शन में हो वो हम देखेंगे, यहाँ तो ऑप्शन है नहीं हम हमारे पास, और बिटवीन सी कहाँ है, बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी, तो सी का पोजीशन तीन है, या तो थर्ड फ्रॉम राइट कह सकते हैं वन टू थ्री, या फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट कैसे वन टू थ्री फोर फाइव, या बिटवीन, बिटवीन सी एंड डी के बीच में सी है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। फाइव पर्संस ए बी सी एंड डी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू, ध्यान दीजिएगा फेसिंग यू और फेसिंग साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी फेसिंग यू आए, फेसिंग साउथ आए, फोटोग्राफ आए, डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट हो जाता है हम लोगों के, फोटो ऐसे रखेंगे अपोजिट हो जाएगा, कोई हमारे सामने देख बात करेगा हमसे, उससे बात करेंगे तो वो मेरे अपोजिट होगा, मेरा हाथ राइट उसका लेफ्ट होगा, उसका लेफ्ट मेरा राइट होगा, वैसे ही जब साउथ की तरफ कोई देखेगा यानी नीचे की तरफ देखेगा तो उसमें भी उल्टा हो जाता है, दाएं दाएं के बाएं, बाएं के दाएं, मैं आपको बताया भी हूँ। चलिए तो जैसे फेसिंग साउथ का क्या है, कोई यहाँ बैठा है और नीचे देख रहा है तो घूम जाएगा ना, तो इसलिए उसमें हम ऐसा करते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है कि डायरेक्शन चेंज करते जाना है, देखिए ए इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, जहाँ फेसिंग यू, फेसिंग साउथ या फोटोग्राफ हो वहाँ डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन राइट है ना, इसको हम लेफ्ट कर लेंगे और लेफ्ट करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, तो ए इज इमीडिएट राइट ऑफ, जिसमें ऑफ लगा हो उसके इमीडिएट, ऑफ ई में लगा है ना, तो ई के इमीडिएट ए है, कहाँ राइट था तो अब लेफ्ट हो गया, क्योंकि फेसिंग साउथ और फेसिंग यू है ना, किसी कोई एक हो, तो ए इज इमीडिएट अब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट ऑफ ई, तो ई हमारा हुआ यहाँ, ध्यान दीजिएगा, और ई के लेफ्ट क्या होगा, ए होगा, तो ए यहाँ होगा, ध्यान दीजिए, जस्ट आप अपने तरफ से, आप यहाँ बैठे हैं तो आपके लेफ्ट जो होगा लेफ्ट हाथ के तरफ ये हो गया। बी इज बिटवीन सी एंड ए, तो ये अभी नहीं, ए बन गया, बिटवीन वाला बाद में देखेंगे, तो बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, और डायरेक्शन हमारा यू फेसिंग यू या फेसिंग साउथ है, तो लेफ्ट को राइट, आर आई जी एस टी राइट कर दो, तो बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इवन, यानी तुरंत लेफ्ट है, तब क्या होगा, तुरंत राइट हो जाएगा, किसके, ई के, ई के राइट तुरंत कौन है, बी है, तो ये यहाँ है, इसके तुरंत राइट यहाँ बी हो जाएगा, टोटल पर्सन फाइव है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच लोग हैं।
अच्छा, बी इज एट वन कॉर्नर। अब देखिए दोस्त, यहीं से आपका बन गया बी इज एट वन कॉर्नर। अब बी जो होगा इस कॉर्नर पर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद भी इधर और लोग हैं, यहाँ तीन लोग साथ में हैं। ये तीन लोगों का तो सीरीज मिल गया हमको, तो तीन में अब अगर बी यहाँ रखेंगे और पांच ही लोग हैं तो फिर यहाँ कैसे छः सात हो जाएगा ना, तो इसलिए हमको अब बी कहाँ रखना होगा, उस कोने पर। तो यहाँ बी अगर रखते हैं तो यहाँ ई हो गया, यहाँ हमारा ए हो गया, यहाँ तक तो बन गया। अब क्या क्या बचा है हमारा, ए बचा है जिसको हम नहीं किए थे, डी इज बिटवीन सी एंड ए, तो डी सी और ए के बीच में है, तो डी ए हुआ और ए यहाँ दिया हुआ है, सी यहाँ जाएगा, दोनों के बीच में है, बन गया। पूछ रहा है कि हु इज द सेंटर, सेंटर कौन है, ए है, ए हमारा आंसर होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको देखिए, इन ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आ गया, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसको करते हैं, फातिमा इज लेफ्ट ऑफ कुलवंत, तो जहाँ फोटोग्राफ आ गया उसमें लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देना है, तो इसको हम राइट कर देंगे, आर आई जी एच टी, राइट, मन में करेंगे, माइंड में करेंगे, कभी लिखेंगे नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या करना है, कुलवंत ऑफ, जिसमें ऑफ लगा है उसके, तो कुलवंत के, तो के पहले लिख लो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और कौन है, फातिमा है क्या, राइट आ गया, अब तो राइट कुलवंत के राइट, बस मेरे हाथ की तरफ देखना, मेरे राइट जो है वही कुलवंत का राइट होगा, तो क्या है यहाँ, फातिमा है, यहाँ समझ गए। नेहा इज राइट ऑफ मैरी, तो मैरी के राइट, तो राइट को क्या हो गया, लेफ्ट हो गया भाई, ये लेफ्ट हो गया। चलिए तो लेफ्ट में क्या करेंगे, तो नेहा ऑफ मैरी, तो मैरी ध्यान देना, ये एक बना और दूसरा हम बना रहे हैं सीरीज, मैरी, मैरी के क्या है, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ मैरी, तो लेफ्ट कौन है, नेहा है, तो मैरी का लेफ्ट, मेरे लेफ्ट जो होगा वही मैरी का लेफ्ट होगा, यहाँ नेहा हो गई। और क्या है, मैरी इज राइट, तो राइट को यहाँ भी लेफ्ट करो, ऑफ कुलवंत, और कुलवंत के लेफ्ट में क्या है, देख ऑफ जिसमें लगा है उसको पहले लिख लेंगे, तो कुलवंत ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट में क्या है, बस कुछ नहीं सोचना है, यहाँ मैरी है, तो मैरी यहाँ लिख दें, कुलवंत ऑलरेडी मेरा है, तो ये सीरीज मेरा बना था और ये सीरीज बना, और चार व्यक्ति है, तो यहाँ एम के जस्ट लेफ्ट क्या है, एन है, तो इसको यहाँ ऐड कर देंगे, बन गया। अब एग्जाम में पूछा है हु आर इन द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पर कौन है, ये एन यानी क्या, नेहा, एक कॉर्नर पर नेहा है और दूसरे कॉर्नर पर फातिमा है, यही हमारा आंसर होगा, नेहा और फातिमा दोनों कॉर्नर पर है। सिक्स पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड आर आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। अब देखिए क्वेश्चंस हमें बनाना है, इसमें क्या है कि सर्किल है, यानी एक सर्किल की तरफ लोग देख रहे हैं, इसमें एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में क्या है, सिक्स पर्सन है, तो सिक्स के कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और सब लोग बाहर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए बनाना पड़ा इसे, ये तो कोई ज़रूरत नहीं थी, सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो हम बताए हैं कि सर्कल में कोई बैठा है और आउटसाइड देख रहा है, तो डायरेक्शन वहाँ हम चेंज करेंगे, तो आइए चेंज करके देखते हैं, तो आइए हम देखते हैं कैसे बनेगा। क्यू इज बिटवीन एन एंड ओ, तो यहाँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस सेंटेंस से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। एन एंड आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कौन कौन, एन आर, तो अगर हम यहाँ एन रखते हैं दोस्त, तो इसके अपोजिट आर, यानी जस्ट अपोजिट यहाँ आर होगा सामने। चलिए एम इज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ एन, अब यही देखना है, आउटसाइड देख रहा है, सेंटर में देखा तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लोग आउटसाइड देख रहा है, तो हमें डायरेक्शन ही चेंज कर देना है, क्योंकि हम अपने आप को क्यों फिर यहाँ बैठ के और ऐसे घूमेंगे, नहीं, हम डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे ना, तो आउटसाइड देख रहा है तो क्या होगा, ट्री राइट को कर दीजिए लेफ्ट, मन में कीजिएगा, ऑफ एन, तो एम इज किस ऑफ एन, अब एन के, बस एन के लेफ्ट में एम है, बस यही सुनना, ऑफ एन, लेफ्ट ऑफ एन, तो एन कहाँ है, एन, और इसके कहाँ है, लेफ्ट में एम है, जस्ट लेफ्ट, तो एन यहाँ है और इसके लेफ्ट में, तो एन हम यहाँ खड़ा हो गए सेंटर की तरफ, हम सो क्योंकि यहाँ चेंज कर दिए हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ एन है और इसके जस्ट लेफ्ट में, तो लेफ्ट कहाँ आएगा, इधर आएगा, हम यहाँ खड़ा हो, हम यहाँ बैठेंगे यहाँ और इधर देख रहे हैं, तो लेफ्ट इधर आएगा, हम हमेशा सेंटर की तरफ ही सोचेंगे,
समझ गए ना, केवल डायरेक्शन चेंज कर देंगे। हम कभी भी सेंटर के बाहर नहीं सोचते हैं, हम डायरेक्शन ही चेंज कर दिए। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करें तब यहाँ बैठ के देखते हैं ना, अब डायरेक्शन चेंज करिए तो हम इधर ही देख रहे हैं। तो क्या है, लेफ्ट, एंड के लेफ्ट कौन है, एम है, तो यहाँ एम हो जाएगा। अब कौन है, पहला हमारा छूट ये हो गया, ये हो गया। क्यू इज बिटवीन एन एंड ओ, तो क्यू, तो एन और ओ के बीच में क्यू है, तो क्यू यहाँ, तो एम ऑलरेडी है तो होगा नहीं, क्यू यहाँ है और यहाँ ओ है, यानी ओ और एन के बीच में क्यू भी आ गया हमारा, हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। फाइव बॉयज आद्विक, दिव्यांग ईशान, चेतन एंड बादल, एंड फाइव गर्ल्स प्राची, कविता, रेखा, सोनाली एंड विनीता, सिट इन द टू रोज फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। ऑल द बॉयज आर इन वन रो एंड गर्ल्स अदर रो, दोनों अलग अलग रो में बैठे हैं। तो मैं दो रो बना दिया, ऊपर बॉयज को रख दिया, नीचे गर्ल्स को रख दिया। अब दोनों एक सामने, आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी यहाँ यहाँ एक एक को देख रहा होगा, एक आमने सामने है, सब एक दूसरे के। चलिए अब ये तो देखिएगा, ये नीचे से है तो उत्तर फेसिंग है, ऊपर उत्तर होता है, लेकिन जो बॉयज लोग जो बैठा है ना वो तो साउथ फेसिंग है, यानी जस्ट अपोजिट इधर देख रहा है तो साउथ फेसिंग हो गया। तो क्या बताएं, साउथ फेसिंग में हमेशा डायरेक्शन चेंज करते हैं दोस्त। तो अब आइए हम बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिए, बॉयज जहां आएगा और जहां डायरेक्शन होगा, बॉयज के केस में डायरेक्शन को चेंज करेंगे, क्योंकि बॉयज जो है साउथ फेस है, बॉयज का ऊपर बैठकर लड़कियों को देख रहा है, लड़की नीचे बैठकर बॉयज को देख रही है, तो लड़की वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा नीचे बैठी है देख रही है, बॉयज वाले साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसलिए साउथ वाले को हम चेंज करते हैं। चलिए बनाते हैं कैसे, ईशान हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बादल एंड अपोजिट ऑफ प्राची इज नॉट एनी कॉर्नर, यानी नॉट एनी इंड। तो ये लोग, ईशान जो है वो कहाँ है, इमीडिएट राइट ऑफ बादल, तो यहाँ राइट है को लेफ्ट मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है ये लोग का, ध्यान दीजिएगा यहाँ लेफ्ट मान लेंगे दोस्त। तो अब बनाइए, ईशान क्या है, इसका ऑफ बादल, तो बादल ऑफ है ना, बादल तो बी हम पहले लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ऑफ जिसमें लगेगा उससे तुलना कर रहे हैं, तो बादल के कितना है, लेफ्ट है, कौन, जस्ट लेफ्ट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ईशान, तो इसके बादल का लेफ्ट इधर होगा हमारे हाथ के तरफ ही, ईशान हो गया। एंड बताए हैं, एंड से जुड़ा हुआ है तो पहले के पास जाता है, एंड अपोजिट टू प्राची, तो प्राची किसके अपोजिट है मेरे भाई, तो एंड से जो जुटा हुआ बताए ना, कंजंक्शन से जो जो जिसमें कंजंक्शन हो वो पहला वाला लेता है, यानी पहला क्या, ईशान है, तो प्राची जो है किसके अपोजिट है, तो एंड ईशान को इंडिकेट करता है यहाँ, तो प्राची ईशान क्या अपोजिट है, यहाँ तक बन गया पहला से। अब आइए दूसरा लेते हैं सेंटेंस, देखिए समझाने में इतना लेट हो रहा है तो इतना लेट होता नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये। रेखा हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ कविता, देखिए अब ये तो नॉर्थ फेसिंग है ये लोग का, गर्ल्स का, तो इसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे, बॉयज में ही केवल चेंज होगा, तो गर्ल्स में हमको चेंज करना नहीं है, जैसा है वैसा बनाना है। तो रेखा क्या है, रेखा हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ कविता, देखिए ऑफ कविता, तो कविता को लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसको, इसलिए क्योंकि निचला लाइन पर लड़कियां हैं, तो आराम होगा अगर ऊपर कोई लड़का जुटता है, तो सामने अगर कोई लड़का को बैठाना है तो इसके सामने बैठा देंगे। तो कविता जो है, कविता के जस्ट राइट कौन है, रेखा है, कविता के जस्ट राइट है, यहाँ चेंज नहीं करना है, नॉर्थ फेसिंग है इसका, तो यहाँ रेखा हो गई, यहाँ तक तो क्लियर है। एंड अपोजिट ऑफ चेतन, एंड आ गया यहाँ भी, तो चेतन के अपोजिट तो कौन, पहला जाएगा, एंड है तो पहला एलिमेंट क्या है, रेखा, तो रेखा जो है चेतन की अपोजिट है, सी, यहाँ तक भी बन गया, यहाँ ले लिए। अब आइए एट ए वन ऑफ द इंड, तो चेतन कहाँ जाएगा, चेतन तो इधर आएगा नहीं क्योंकि इधर तो ऑलरेडी लोग हैं, तो चेतन का सबसे कॉर्नर पर है, तो इस कॉर्नर पर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके बाद इधर हैं, तो इधर थोड़े कोई आएगा, तो एक कोने पर है तो यहाँ आए हो, यहाँ तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके लेफ्ट में लोग हैं, तो ये यहाँ सी आएगा, तो सी यहाँ आएगा यानी चेतन आएगा, तो आर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, यहाँ आ गया। और आगे हम तीसरा देखते हैं, आद्विक इज द अपोजिट ऑफ कविता, आद्विक जो है कविता का अपोजिट है, यहाँ कविता हमारी ऑलरेडी है पहले से लिख दो, और इसके अपोजिट आद्विक है, ठीक है। हु किसके लिए आया, हु
हो, मैं क्या बताएं, नज़दीक वाले को लेता है, तो ही इज़ द थर्ड ऑफ द राइट ऑफ सोनाली। तो सोनाली जो है, सोनाली से कविता थर्ड राइट है, यानी ये कविता है और सोनाली से कितना, थर्ड राइट ऑफ सोनाली। तो सोनाली यहाँ एक दो, यहाँ ब्लैंक कोई दूसरा कोई बैठा होगा, सोनाली से तीसरा राइट, तो यहाँ सोनाली हो गई और तीसरा राइट एक दो तीन कविता हो गई। तो आपका यहाँ भी बन गया, यहाँ किसी को बैठाएंगे, यहाँ सोनाली है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा, यहाँ तक तो कोई हमारा दिक्कत नहीं है। दिव्यान एंड विनीता, दिव्यान एंड विनीता आर नॉट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। दिव्यान और विनीता जो है एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, कविता के अपोजिट ए है, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ, तो यहाँ ए हुआ कविता के अपोजिट। पहला लाइन में दिया है कि ईशान जो है इज नॉट एनी कॉर्नर, यानी नॉट एनी इंडो, किसी इंड पर नहीं बैठ रहा है, यानी ईशान यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ तो बैठा ही नहीं, यहाँ दूसरा चेतन बैठ गया, यहाँ ईशान नहीं बैठेगा। तो अब विकल्प क्या बचता है, ईशान कहाँ बैठेगा, यहाँ साथ में दो है ई बी, तो ईशान यहाँ ए है और यहाँ बैठेगा नहीं, तो यहाँ बैठेगा ई और बी, बी के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन ईशान के सामने कौन है, पी है, यानी ईशान के सामने यहाँ प्राची है, ये बन गया, इतना बन गया, अब हमारा बन गया, अब सब में एक बचा, इसमें क्या बच गया, दिव्यान बच गया, तो दिव्यान को यहाँ लिखें, और इसमें क्या बच गया है हमारा, विनीता बच गई है, तो विनीता क्योंकि एक एक स्पेस बस गया है, दोनों स्पेस पर दोनों को बैठा देंगे, और विनीता और दिव्यान आमने सामने नहीं हो सकते हैं, दिखा हुआ है दिव्यान एंड विनीता नॉट अपोजिट ईच अदर, तो ये भी ईच अदर नहीं है, अपोजिट ईच अदर नहीं है, ये बादल के अपोजिट विनीता हो गई है और दिव्यान सोनाली के अपोजिट हो गया, हमारा सेट तैयार हो गया, हमारा डायग्राम बन गया, इसमें कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, दिव्यान के अपोजिट कौन बैठी है, आद्विक के अपोजिट कौन बैठी है, या विनीता के अपोजिट कौन बैठा है, बॉयज वाले रो में दोनों कॉर्नर पर कौन कौन है, तो एक डी है एक सी है, गर्ल्स वाले रोज में दोनों कॉर्नर पर कौन कौन है, तो सोनाली है और रेखा है, तो ऐसा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आज बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको और कुछ क्वेश्चंस किए, लेकिन मैं दूसरा क्लास पुनः लेकर आऊँगा जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करता हूँ, पढ़िए भविष्य गढ़िए, जय हिंद।